बना के दो इसको, ताकि हमारा भी पैसा बने। तो ठेकेदार से हम लोगों ने पूरा गिराया उसको, अब रायपुर वाले तो देख रहे हैं क्या बन रहा है कैसे बन रहा है, मुझको बताने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा उसको गिरा के नए सिरे से नींव निकाल के उसको बनाकर कंप्लीट किया गया है, लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। कई अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज हम लोगों ने शुरू किया और बनाया है इस दरमियान रायपुर के आवागमन को, गोगांव का हमारा रेलवे DRM के पास कई बनाया, रामनगर का, तो उससे भी रायपुर की जनता को काफी राहत मिल रहा है ऐसा मेरा मानना है। जी, आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। आप जैसे हर बार अलग जगह चुनाव लड़े हैं, अब चुनाव आने वाला अगली बार आप कहाँ से लड़ने वाले हैं ये और तो बता दीजिए। मैं जहाँ हूँ वहीं से लड़ना चाहूंगा। बाकी पार्टी जाने, पार्टी जो निर्देश देती है उसके अनुसार काम करता हूँ। मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीति में कि मुझे ये बनना वो बनना, यहाँ से लड़ना ये होगा। पार्टी के निर्देश अब तक मानते आया हूँ। मेरी मर्जी होगी कि मैं जहाँ से हूँ वहीं लड़ूँ, क्योंकि पहली बार अपने घर परिवार में आकर मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। मैं धमधा विधायक था या बेमेतरा, तो मेरे गाँव वाले बोलते थे एक मंच बनवा दो, तो विधायक की विधायक निधि तो अपने विधानसभा में होता है, बाहर खर्चा कर नहीं सकते। 15 साल विधायक रहा, 5 तो अपने गांव में 1 रुपया दे नहीं पाया, तो अब यहां विधायक बना हूं, तो ये मेरा पूरा कार्य क्षेत्र है। बचपने से मैं पंच रहा, सरपंच रहा, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, अच्छा लगता है। लौट के अपने परिवार में आया हूं, हालांकि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, सभी लोग हैं, मैं उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं, पर जहां काम करने का आज अवसर मिला है मैं चाहूंगा कि वहां फिर से मुझे काम करने का अवसर मिले, ऐसा मैं सोचूंगा भी, चाहूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, और ये कहा जाए कि बहुत कम समय में आपने जो यहाँ आकर हम लोग गौरवान्वित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, संजय जी, उजैत आपको और आपके स्वराज एक्सप्रेस को, जो आपने मुझे अवसर दिया और अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पूरे सत्र में हमने सुना माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और आपके नेतृत्व में राज्य में विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति के कारण नक्सल गतिविधियों में कमी आ रही है, लोगों को सरकार और कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से एक छोटा सा चिन्हारी स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट करना चाहते हैं। अपने दोनों ही मॉड्यूलर से मैं आग्रह करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः इस मंच की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस मंच पर हमने चर्चा सुनी लालगढ़ बना विकास कर छत्तीसगढ़, विकास की वाणी छत्तीसगढ़ की कहानी, नए आयाम गढ़ता छत्तीसगढ़, इन विषयों पर अभी बातचीत होनी बाकी है। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ की समृद्ध होती संस्कृति पर, समृद्ध होता वनांचल, विकास की नई गाथा कहता वनांचल, इस विषय पर, और विशेषज्ञ के तौर पर जितने ही अतिथि हमारे बीच आते जाएंगे हम अपने इस संवाद को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस मंच पे पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत।
हमारे साथ आज मेरे मंच की दाईं तरफ ऋतु वर्मा जी हैं, जिन्होंने पनवानी को न केवल छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि अपनी सुरीली आवाज से विश्व पटल पर भी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया। वे पनवानी गायिका हैं और उन्होंने वेदमती शैली का चयन किया अपने गायन के लिए, तो आनंद लीजिए उनकी आवाज का। सिया रामा का
बंसी के बजैया मन मोहनाई में पांडव बैठे रहे तो पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित एक हजार के नीचे बैठे रहे तो कामिया कबल में कामी नाम के दत्ते कथे कैसे मन घन सुगा नावत रे लागत है कोरो खुश रे ऐसे कैसे पांचों भाई पांडव के पास में अपने रूप ला बदल के और चली जा पांचों भाई पांडव के हाथे जोड़ा फेरा काका नाम है तुम्हार आज खबर को सुन के धर्मराज कही कहे भैया हम पांचों भाई पांडव हरण ये बैठे हैं तेर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ता सब के नाम छोड़ के जब भीम के नाम ला सुनी जैसे भीम के नाम ला सुनी ना वैसे में ओपन नेत्र हलाए हो जी कथे कथ रे दोनों भाई ला मार के ता यहाँ के बैठे घर में बोला पांच मिनट अंदर में खत्म न करो तब हर तो दाना कह रहे थे भारी सा हाथ में आया चला तब दोनों झनक कहीं पे
पंडवानी गायिका ऋतु वर्मा द्वारा एक खास प्रस्तुति सिलाई तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के विकास गाथा पर केंद्रित स्वराज एक्सप्रेस का कॉन्क्लेव बदल गए छत्तीसगढ़ सवर गए छत्तीसगढ़ आज रायपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें होटल बेबिलोन इंटरनेशनल में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहरहाल अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। और कुछ देर पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, जिनसे चैनल हेड अमित कुमार जी ने सवाल पूछे थे। आज के इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री संवाद सत्र में चर्चा के जरिए छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कुछ देर पहले शामिल हुए थे, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। श्रम मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर अलग अलग सत्रों में स्वराज एक्सप्रेस के मंच पर बदलते छत्तीसगढ़ सवरते छत्तीसगढ़ पर चर्चा कुछ देर बाद करेंगे और जनता के सवालों के जवाब देंगे। ऐसे चक्र समान घुमा के जब धरती में उठा होकर छाती में बैठी परिसना तो अकर मुहूर्त खून के धार निकल गई। मेरा देख के पांचों भाई पांडा बड़ा प्रसन्न हो गए। चलो चलो भैया तो नारा देगा। अच्छा ऐसे घर समझ में कि रायपुर के नारा देगी नारा दे नहीं, नहीं। वो हरे देर से नारा दे। अच्छा ये कहा धमुरा ये कहा तो चक्का धरे और ऊपर डहल्ले उतरत रहे कहीं से दूर खाओ अगर थोड़ा पशु पता चला मैं बाण प्राप्त करना है पशु पता तो बाण प्राप्त करना है शंकर जी के तपस्या में लगी आया अर्जुन का भे हाथ के जमाना में मिलक मिला कोनो नहीं छोड़ा वाह वाह ऐसे कई के खुधार के नीचे में जा जा अलग के तपस्या वाह वाह अरे सादा तराजी ना फूल के तपस्या
कसम लगे है भोलेनाथ के। संवाद की तरफ जहाँ पर हम बात करेंगे समृद्ध होता वनांचल विकास की नई गाथा गाता वनांचल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ मौजूद हैं माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी। मैं संजय सर से आग्रह करूंगी कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि को मंच पर लेकर आए, साथ ही मैं अमित जैन जी से भी आग्रह करूंगी कृपया वे भी मंच पर आए और हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। वन विभाग ने विगत 3.5 वर्षों के दौरान सिर्फ वनों के संरक्षण और संवर्धन को ही नहीं बढ़ावा दिया बल्कि यहाँ वनवासियों की उन्नति की दिशा में ही निरंतर कार्य हो रहे हैं।
यही वजह है कि विगत दो वर्षों से छत्तीसगढ़ लघु वन उपज के संग्रहण और प्रसंस्करण आदि के कार्यों में देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और हम अब संवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आग्रह करूंगी अमित जी चैनल हेड और श्री संजय उपाध्याय जी स्टेट हेड छत्तीसगढ़, आप दोनों ही संवाद को आगे बढ़ाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर। हमारी इस चर्चा का विषय है समृद्ध होता वनांचल, विकास की नई गाथा गाता वनांचल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं अगले सत्र की ओर और इस समय हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय कराऊं, लेकिन उनके पहले बारे में बता दूं कि वो इस समय सरकारी सिस्टम को ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं। जितने भी सिस्टम हैं उनको लगता है कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और उस तरह से वो पूरे विभागों को ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं और वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मोहम्मद अकबर जी, और उनके पास करीब ये कहा जाए कि आधे दर्जन विभाग उनके पास हैं। उनके पास परिवहन है, पर्यावरण है, वन है, विधि है और बड़े बड़े जितने भी विभाग हैं उनको बिल्कुल सिस्टम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वराज एक्सप्रेस में। तो ये बताएं, सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि इतने सारे विभाग हैं और आप सबको ऑनलाइन कर रहे हैं तो लगता नहीं कितनी मुश्किल होती, कैसे मैनेज करते हैं? सबको लगता है कि इतने सारे विभाग कैसे मंत्री जी चलाते हैं? आजकल वैसे भी पूरे देश में ही ऑनलाइन सिस्टम है जी, और उसी की कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी ये सब प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और लगभग अंतिम समय है कि ऑनलाइन के सारे सिस्टम हो जाएंगे। जहाँ तक वन विभाग की बात है तो छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का है और 59,577 वर्ग किलोमीटर वनों से आच्छादित है। इन वन क्षेत्रों में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है, इसमें भी ऑनलाइन सिस्टम है। 13.5 लाख हमारे पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार बनाओ और तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मूल्य है 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा हम करेंगे, और वो हमने किया और लगातार 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी की जा रही है। ये पूरा सिस्टम भी ऑनलाइन है, इनका पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन से होता है। दूसरी बात ये कि जो लघु अनुपज संघ के जरिए वनों में जो लघु अनुपज की खरीदी होती है, पहले 7 लघु अनुपज की खरीदी होती थी, अब 65 लघु अनुपज की खरीदी होती है। ट्राइफेड एक संस्था है जो भारत सरकार की है और ये आंकड़े उसके द्वारा प्रकाशित हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी लघु अनुपज का क्रय होता है विगत 2-3 सालों में लगातार 74 से 75% लघु अनुपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा क्रय किया जाता है, और इसके लिए भारत सरकार से 11 पुरस्कार हमको प्राप्त हुए हैं। स्वयं केंद्रीय मंत्री आए थे और मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने ये पुरस्कार उनको प्रदान किया है जी। और इसके अलावा लघु अनुपज संग्रहण के बाद वैल्यू एडिशन का भी काम हम लोग करते हैं, और वैल्यू एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट से जो भी लाभ होता है तो वो संग्राहक को और स्वयं सहायता समूह जिसके जरिए ये काम किया जाता है तो लाभांश का पूरा हिस्सा उनको दे दिया जाता है जी। बिल्कुल, आपने जो लघु उपज जिस तरह से आपने 7 से 65 किए हैं, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती देखने में आती है कि कोयला भी चाहिए है, वन भी जरूरी है और उसके साथ जो वन्य प्राणी है वो भी जरूरी है, कैसे मैनेज करना पड़ेगा इसको, कैसे सब ठीक होगा? देखिए, तीनों चीज जरूरी है। जहाँ तक वन्य प्राणियों की बात है तो छत्तीसगढ़ ने तो बहुत बड़ा काम किया है। 3 एलिफेंट रिजर्व थे, बादलखोल, तमोर पिंगला, सेमरसोत जी। इस समय हमारे 16 हाथियों के दल हैं और पहले 246 थे, अब लगभग वो 300 हैं। तो इन हाथियों के जो दल हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों में अभी विचरण कर रहे हैं। इनके लिए जो जलवायु इनके अनुकूल पाया जाता है सेमरसोत, बादलखोल, तमोर पिंगला, और भारत सरकार की तरफ से सहमति के आधार पर इसका नोटिफिकेशन हुआ और ये एलिफेंट रिजर्व के रूप में माने गए और हैं अभी भी। 2008 में लेमरू हाथी रिजर्व के नाम से भारत सरकार से सहमति प्राप्त हुई और 2008 से लगातार ये मांग होती रही
कि लेमरू हाथी रिजर्व जो 452 वर्ग किलोमीटर की सहमति जिसमें मिली है वो उसको रिजर्व उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाए। लेकिन चूंकि पूरे क्षेत्र में कोयले की खदानें हैं, नीचे कोयला है पूरा जी, तो तत्कालीन सरकार ने प्राथमिकता, मैं ऐसा समझता हूं कि कोयला ज्यादा प्राथमिकता में रखते हुए उन्होंने इसका नोटिफिकेशन नहीं कर पाए। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद इसका हमने परीक्षण कराया और परीक्षण करने के बाद ये लगा कि न केवल 452 वर्ग किलोमीटर बल्कि एक बड़ा क्षेत्र हाथी रिजर्व के लिए जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा विचरण हाथियों का उसी क्षेत्र में है। तो उसको बढ़ाकर हमने किया 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव वन विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल के सामने रखा गया और मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी और अब उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है जी। तो अब हमारे चार एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं, सेमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल और चौथा लेमरू जो 1995 वर्ग किलोमीटर का है। तो इस प्रकार से वन्य प्राणियों में जो अभी हाथी मानव द्वंद्व के नाम में बहुत ज्यादा स्थिति कभी कभी खराब होती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये एक बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है। ये मंत्री जी, जो मानव हाथी द्वंद्व की आपने बात की, बड़ा विषय है क्योंकि पिछली सरकार भी इससे कहीं ना कहीं निपटने के तमाम उपाय करती रही है लेकिन उस तरीके की सफलता नहीं मिली। हाथी मानव द्वंद्व आज भी एक बहुत बड़ा, खासकर उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं जीवन मरण का प्रश्न उनके लिए होता है। तो मुख्य रूप से अभी क्या है मंत्री जी, उससे क्या उपाय ऐसे किए जा रहे हैं? और दूसरी बड़ी चीज ये है कि आखिर ये समस्या इतनी विकराल कैसे हुई है, समस्या आई कैसे? देखिए, हाथी मानव द्वंद्व के बारे में एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले कुछ सीमित क्षेत्र थे जहां उनका विचरण होता था जी, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस समय 16 दल हैं जी और लगभग 300 की संख्या है। अब यदि लेमरू हाथी रिजर्व 1995 वर्ग किलोमीटर का आरक्षित किया गया जी, तो अब हाथी को तो ये मालूम नहीं है कि नोटिफिकेशन कहां से कहां तक है जी, तो वो उसके बाहर भी जाते हैं और बाहर जाते हैं मतलब वो मैनपुर में भी हैं, वो मानपुर में भी हैं, वो इधर महासमुंद में भी हैं। ये चारों तरफ से जिस तरीके से उनका विचरण हो रहा है, अब एक पर्टिकुलर यदि कोई एरिया हो तो हमने वहां पे सोलर फेंसिंग का सिस्टम किया, लेकिन सोलर फेंसिंग का सिस्टम कुछ दिन तक आप उसका उपयोग कर पाए, उसके बाद वो वहां से छोड़ के चले गए। तो यदि वो स्थायी तौर पर ये तय हो जाए कि यहीं रहेंगे तो उसके बाद उसकी व्यवस्था भी उस ढंग से होगी, लेकिन वो कुछ दिन रहते हैं, उनमें जो मादा हाथी होती है वो उनके ग्रुप की हेड होती है और वो पूरे दल को छोड़कर 10 से 15, 20 किलोमीटर जाके सर्वे करके वापस आती है और फिर जहां पे उनको पानी, भोजन और रहने का अनुकूल उनको जो स्थान दिखता है तो वो पूरे दल को फिर लेके चले जाती है। अब हाथियों को मानव से लगभग 20,000 गुना अधिक सूंघने की ताकत है और वो दल जब गांव की तरफ बढ़ेगा तो गांव की तरफ यदि 4-5 मकान, कच्चे मकान लगभग गांव में ज्यादा होते हैं, उसी कमरे में वो क्षतिग्रस्त करेगा जहां पे अनाज रखा हुआ है। उनको मालूम है कि वो सूंघने के कारण और अनाज को बाहर खींच के और पूरा दल उसको खाएगा। यदि महुआ या शराब बनाने का काम इधर सरगुजा तरफ जहां जहां होता है तो उसको भी वो अपने सूंघने की शक्ति के कारण वहां तक जाते हैं और शराब भी पी लेते हैं जी। तो अब ऐसी स्थिति में जब उनका एक स्थायी स्थान निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है, वो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो वन विभाग ने जो अपने तरफ से सिस्टम लागू किया है वो वन विभाग की तरफ से अलर्ट किया जाता है मोबाइल के जरिए और आगे आगे हमारे वाहन चलते हैं, वन विभाग के कर्मचारी चलते हैं जी। अब वो पहले जाके गांव में इन्फॉर्म करेंगे कि हाथियों का दल इस ओर आ रहा है, अब उस ओर मत जाओ। हाथियों का दल आने के पहले उनको मोबाइल के जरिए अलर्ट किया जाएगा, हमारा गजराज वाहन है वो अलर्ट किया जाएगा, जब दल बड़ा है तो उनको ये कहा जाएगा कि आप पक्के मकानों में चले जाएं, सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। अभी एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि मना करने के बाद भी कुछ लोग देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए उस तरफ चले गए। कई घटनाएं ऐसी हुई, ये घटना हुई है, तो इसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है।
अब वन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई भी मना करने के बावजूद जिस तरफ हाथियों का विचरण है, यदि जबरदस्ती कोई जाएगा तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। तो इस प्रकार का है। दूसरा ये कि जो 4 लाख रुपए का पहले मुआवजा तत्कालीन सरकार के समय था मृत्यु हो जाने पर हाथी के कारण, तो वो 4 लाख से 6 लाख उसको कर दिया गया है। लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है, ये तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद यदि हो जाता है तो राज्य सरकार उसको 6 लाख रुपए देती है। आपने धान बाहर भी रखा था कि हाथियों के लिए कम से कम वो घर को ना तोड़े, धान बाहर भी रखा था? हाँ, धान हमने बाहर रखवाया था। और हाथियों के बारे में कहा जाता है कि वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, जी, बहुत ही होशियार होता है। जब वो घरों तक जाके और दीवारों को तोड़कर और उसमें से धान निकालना, चावल निकालना, महुआ निकाल लेना और निकाल के खा लेना, लेकिन अब उसको बगैर तोड़े एक ये प्रयोग था जो सफल नहीं हो पाया जी। ये प्रयोग था कि यदि हाथी अनाज के लिए, धान के लिए यदि लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं तो क्यों ना जिस तरह विचरण है वहां धान रख दिया जाए। तो धान उसको खोल के उसको जब रखा गया तो हाथियों का दल आया, उसको देखा जी। लेकिन उनको लगा कि अब तक तो हमको काफी मेहनत करके निकालना पड़ता था जी। तो ये अचानक से इस तरीके से क्यों रखा जा रहा है, तो उनको लगा कि इसमें कुछ चाल है, तो उन्होंने नहीं खाया उसको बिल्कुल। और इस कारण से ये एक प्रयोग था, वो सफल नहीं हो पाया जी। अगला जो सवाल है वो आपका एक बहुत बड़ा विभाग है, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट विभाग में कुछ भी लागू करना आप बहुत मुश्किल का काम है। आपने वो लागू किया है ऑनलाइन सिस्टम कि आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर पहुंच जाएगा, तो इस सिस्टम के बारे में कैसे आया, क्योंकि ये पहली बार सरकार ने इस तरह से किया? पहली बार है पूरे सरकार तुम्हारे द्वार, तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों घर पहुंच सेवा बाय पोस्ट आपके घर में ये पहुंचता है। अब तक हम लोग 11,48,000 लोगों को ये सेवा प्रदान कर चुके हैं और लगातार ये चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इस प्रकार की सेवा को प्रारंभ किया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। दूसरा ये कि टैक्सेशन जो है, टैक्स भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अभी सेवा केंद्र भी हमने प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसमें जो हमारे जो बेरोजगार हैं 12वीं पास तक के, तो उनको सेवा केंद्र प्रारंभ करने के लिए हम अधिकृत करेंगे और वहां पे वो लाइसेंस बनाकर भी दे सकेंगे। लेकिन जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे, मतलब लोगों को लगता है कि लोगों को बिना